Everybody, give heading in your copy. Cost sheet. Cost sheet होता क्या है? देखो, first of all, we know कि हम लोग का subject का नाम है costing. अब costing और accounts में main difference है. Costing अगर simple language में समझा जाए, costing deals with कोई भी चीज को प्रोडक्शन करने का क्या क्या खर्चा होगा, नंबर वन. नंबर टू, उस सर्विस को रेंडर करने के लिए हम लोग का क्या क्या खर्चा होगा. दीज आर द वेरियस एक्सपेंसेस, क्या क्या लगने वाला है कोई गुड्स बनाने का या कोई सर्विस रेंडर करने का. जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है कोई सामान बनाने का, तो आप गुड्स को बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे. हम जो इस इंडस्ट्री में, हम जो सर्विस देते हैं, हम क्या करते हैं, हम गुड्स बनाते नहीं है. आई एम प्रोवाइडिंग माई ट्यूशन सर्विस टू यू ऑल, तो आई एम फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री. तो प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट आर डिफरेंट थिंग्स, बट दोनों के लिए हम लोग को जो करना है वो है कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस. जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा यहाँ पर क्या टाइम जा रहा है, कितना ड्यूरेशन का क्लास होगा, क्या क्या सर्विस हम आपको देगा, स्टडी मैट एंड ऑल एवरीथिंग सब मिला के हम अपना कैलकुलेशन करेगा कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है. उसके साथ हम अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो हम आपसे ट्यूशन फी चार्ज करेगा. हम एक एस्टिमेशन कर लेता कि मेरा एक बैच में इतना स्टूडेंट होने वाला है. ऑन दैट बेसिस आई चार्ज माई फीस. वो भी एक ज़्यादा फीस भी नहीं कर पाएगा, मार्केट में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. सिमिलरली अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वी नीड वॉट, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल आप खरीदोगे, प्रोडक्शन होगा. अब रॉ मटेरियल तो खुद ब खुद बनेगा नहीं, उसमें आपको लेबर लोग को पेमेंट देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, तो वो भी आपका खर्चा होता है. उसके अलावा दे आर वेरियस इंसिडेंटल एंड एंसिलरी एक्सपेंसेस ऑल्सो, तो वो सब भी खर्चा हम लोग का लगने वाला है. तो ऑल दीज एक्सपेंसेस टुगेदर विल कंस्टिट्यूट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस हमको कहाँ से मिलेगा, ये कॉस्ट शीट बनाएंगे ना तो हम लोग को मिल जाएगा कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा. तो कॉस्ट शीट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर जहां पर हम लोग इंडिविजुअल जो जो खर्चा मेरा लग रहा है एक प्रॉपर फॉर्मेट में सजा के टोटलिंग करेगा, तो वी विल गेट आवर टोटल कॉस्ट. तो कॉस्ट शीट को पूरा हम लोग को फॉर्मेट के हिसाब से करना है. जैसे जैसे फॉर्मेट हम आपको बताएगा वैसे करो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडिंग देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, दो अमाउंट का कॉलम आया. आउटर कॉलम में एकदम लास्ट कॉलम में कॉस्ट पर यूनिट. अब ये कॉस्ट पर यूनिट बहुत जगह में इग्नोर कर देता है, कभी कभार आपसे वो मांग भी लेता है. तो इसीलिए तीन कॉलम आप बनाओगे. मेन ये दो कॉलम होता है, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम. अब प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल हम लोग को सबसे पहले खरीदना पड़ता है. तो नंबर वन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट मटेरियल्स भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट मटेरियल को हम नीचे लिख देता है, आप लोग को याद नहीं रहेगा. रॉ मटेरियल्स का दूसरा नाम डायरेक्ट मटेरियल्स. ओके, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स आप डालोगे. ये आप इनर कलम में डालोगे, आरएम मतलब रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पर हम टिक दिया. इसके साथ आप रॉ मटेरियल को जब खरीदोगे तो उसमें आपका जो भी परचेस प्राइस होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअली तब रॉ मटेरियल रिलेटेड आइटम ही आ रहा है. रॉ मटेरियल का खरीदने का टाइम पे जो भी आपका गाड़ी भाड़ा लगता है, कैरेज इनवर्ट बोलता है उसको. और कैरेज आउटपुट पता है क्या होता है, कैरेज आउटपुट प्रोडक्शन के बाद जब सामान बेचने जाता है तब, कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इसको लिख लो, हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएगा इसके ऊपर बेस करके, ताकि आपको ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला है,
आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ टोटल करके आउटर कलम में हम लोग टिक मारता है, वो आ जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम को थोड़ा और डीपली हम लोग समझते हैं। समझो आपके पास 10 कैंडीज था, कैंडी बोलो, टॉफीज बोलो, जो भी हो, आपने 5 कैंडी खरीदा, ये था आपके पास पहले से, आपने 5 कैंडी खरीदा, टोटल कैंडी कितना हो गया, 15 कैंडी। अब आप देख रहे हो आफ्टर कंज्यूमिंग सम कैंडीज आपके पास सिर्फ 3 कैंडी बचा है, तो कितना कैंडी खा लिया आपने, 12 तो कैंडी। दिस इज नथिंग बट कंज्यूम्ड, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हो गया ये वाला 10 कैंडी, परचेज हो गया 5 कैंडी, 3 हो गया क्लोजिंग स्टॉक, तो 15 से 3 गया तो 12 तो कैंडी जो हो गया वो हो गया कंज्यूम, मतलब हम लोग कितना खा लिए। यही चीज तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मैंने यहां पर डाला है, आई होप दिस इज क्लियर। आज के बाद कंज्यूम का फॉर्मूला में कभी आपको गलती नहीं होना चाहिए। तो कैरेज क्या हुआ, आपको सामान लाने में जो खर्चा होता है वो हम लोग एड बैक कर देगा, दैट इज इट, बस और कुछ नहीं है। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, कभी कभार सम में इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद ओपनिंग रॉ मेटेरियल, क्लोजिंग रॉ मेटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा ओनली डायरेक्ट मेटेरियल, ना ओपनिंग स्टॉक, ना क्लोजिंग स्टॉक, ना परचेज, कुछ नहीं। तो आप सिर्फ डायरेक्ट मेटेरियल बोल के आउटर कलम में टिक मार देना, तब ये इनर कलम में प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही दे दिया है। गॉट इट एवरीवन? तो डायरेक्ट मेटेरियल्स मतलब डायरेक्टली आप डालोगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देगा तो आपको ऐसे कंज्यूम निकाल के फिर आउटर कलम में डालना है। अब रॉ मेटेरियल होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है हम लोग का लेबर। लेबर लोग मतलब जो लोग फैक्ट्री में काम करता है, उसको जो हम लोग पेमेंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, उसको हम लोग बोलता है डायरेक्ट वेजेस, या फिर डायरेक्ट लेबर भी बोलता है, बात सेम ही है। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, डायरेक्ट आउटर कलम में टिक। तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट वेजेस हुआ, और कभी कभार कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है जो एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन में काम आता है। उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ये एक्सपेंसेस कैसे पता चलेगा कौन सा डायरेक्ट है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का एक और नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंस। गॉट इट, बात से भी है, तो ऑब्लिक देके दिया मैंने। तो ये तीन मेरा मेन चीज होता है प्रोडक्शन के लिए, जिसके बिना मेरा प्रोडक्शन शुरू ही नहीं होगा। तो सीन्स ये तीन मेरा मेन है, तो ये तीनों को जोड़ के जो कॉस्ट आता है उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब प्राइमरी कॉस्ट भी बोल सकते हो, एकदम बेसिक कॉस्ट। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको पूछा गया इन फ्यूचर, आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे, कोई भी कोर्स वगैरह करोगे, आपको अगर ये सब हर जगह में काम आएगा, आई एम टेलिंग यू ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्राइम कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर पूरा कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो प्राइम कॉस्ट तक हो गया हम लोग का, यहाँ तक कॉपी कर लो, किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से मेरे को चैट में पूछो। प्राइम कॉस्ट हो जाने के बाद अब हम लोग फैक्ट्री, देखो प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री का जो दूसरा खर्चा होता है वो सबको अभी हम लोग डील करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड होता है वो सब खर्चा जो मेरा प्रोडक्शन में काम आता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री में जो भी दूसरा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको ओवरहेड कहलाएगा। हम फिर से बता रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए यू नीड मेन थिंग्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये तीनों अलग अलग चैप्टर है, मटेरियल एक चैप्टर, लेबर एक चैप्टर, ओवरहेड एक चैप्टर। मटेरियल हो गया होगा, लेबर हम लोग करेंगे, ओवरहेड भी करेंगे, तो कॉस्ट शीट में सब कुछ मिला के टोटल करके खर्चा आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। क्या क्या आएगा, बेसिक एग्जांपल दे देता है, इनडायरेक्ट वेजेस
सर इनडायरेक्ट वेजेस मतलब प्रोडक्शन चलाने के लिए जो मेरा साइट का खर्चा होता है, जो मेरा सपोज फैक्ट्री में आप सोचो मेरा मैनेजर रहता है या फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड रहता है, स्वीपर रहता है जिसको हम लोग को पगार देना पड़ता है, क्या वो लोग मशीन चलाता है? नो, साफ सफाई करता होगा, गेट देखता होगा, वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो लोग का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो लोग को सैलरी देगा या वेजेस दोगे? वेजेस दोगे बिकॉज वो फैक्ट्री में काम करता है। तो क्या वो मेरा ऑफिस हो गया? नो। क्या वो मेरा डायरेक्ट वेजेस हो गया? नो। वो फैक्ट्री का है लेकिन इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा। और क्या आ सकता है? फैक्ट्री में प्लांट रहता है, राइट, प्लांट एंड मशीनरी, तो उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओके, पॉइंट नंबर सी, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग एटसेट्रा, मतलब और भी फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चा आता है सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। सर वेजेस लेबर मतलब मेटेरियल, लेबर और प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस वो अलग है, वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल देगा, उसको छोड़ के बाकी फैक्ट्री का जो भी खर्चा होगा सब फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीनों को जोड़ के आउटर कलर में हम लोग इसको लिखा, प्राइम कॉस्ट के साथ ये वाला को जोड़ेंगे, इसको अभी कोई नाम नहीं देंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फुल फॉर्म लिखो, चलो हम लिख देते हैं, लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। सर ये क्या होता है? एकदम समझाएंगे, जस्ट वेट, लिख लो। नेट करके आउटर कलर में डालोगे और ऊपर वाला के साथ ये जोड़ोगे तो जो आएगा उसको बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। नाउ लिख लो जल्दी से, फिर समझा रहे। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब होता है आधा बना हुआ सामान। लास्ट ईयर में आपने प्रोडक्शन शुरू किया, अब देखो साल खत्म हो जाता है, ईयर एंडिंग अकाउंट्स में वी नो कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर का अकाउंट्स होता है, तो वो 31 मार्च में सपोज आपका ईयर एंडिंग हो जा रहा है, तो क्या 31 मार्च तक आपको पूरा सामान एकदम बन के रेडी हो जाना चाहिए? 30 मार्च को एक नया ऑर्डर आता है तो क्या आप बोलोगे अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, रुको अप्रैल का महीना में करेंगे? डीले करके क्या फायदा? अगर प्रोडक्शन टाइम में खत्म नहीं हो पाया तो कस्टमर तो भाग जाएगा मार्केट में, तो बहुत सप्लायर्स है। इसीलिए हम लोग कभी डेट देख के प्रोडक्शन नहीं करते, हम लोग देखते हैं ऑर्डर है या नहीं है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। तो इन द मीन टाइम यू हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन एंड ईयर एंड हो जाता है, साल खत्म हो जाता है। अब जो वो साल खत्म हो जाएगा तो वो जो आधा बना हुआ सामान है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग प्रोग्रेस। तो लास्ट ईयर का जो आधा बना हुआ माल था वो इस साल बनेगा, तो इस साल का प्रोडक्शन में वो ऐड होगा, इसलिए ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस। और इस साल का जो आधा बना हुआ माल है जो अभी इस बार नहीं बनेगा, कब बनेगा? नेक्स्ट ईयर, वो हम लोग लेस कर दिया, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। आई होप दिस इज क्लियर। सब कुछ करने के बाद वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोलता है। आफ्टर डूइंग दिस, फैक्ट्री ओवरहेड हो जाने के बाद कौन सा ओवरहेड आएगा? फैक्ट्री के बाद ऑफिस ओवरहेड आता है। ऑफिस ओवरहेड का यहाँ पर दूसरा एक नाम है, ऑफिस भी बोलता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड को मैंने OH बोल के लिखा, आप लोग पूरा लिखने का कोशिश करो, एग्जाम में पूरा लिखना। अब ऑफिस में जो खर्चा होने वाला है, ऑफिस में क्या होना चाहिए?
ऑफिस सैलरीज, या सिर्फ सैलरी लिखो, सैलरी तो ऑफिस में दिया जाता है, स्लैश ऑफिस का रेंट। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अगर दे दिया, फर्नीचर नॉर्मली ऑफिस में रहता है, प्लांट फैक्ट्री में रहता है। कभी आप देखा नहीं होगा कि फैक्ट्री में एक्सपेंसिव फर्नीचर डाल के आप उसको सजा रहे, नो सर। फिर भी सर टेबल चेयर तो रहता होगा, बैठने का जगह तो रहता होगा, वो उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, उसके लिए हम लोग बॉदर नहीं करेंगे। बट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज ह्यूज अमाउंट, तो दैट इज ओनली टेक्स प्लेस इन योर ऑफिस। ऑफिस में हम लोग का फर्नीचर काफी एक्सपेंसिव रहता है, तो ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो भी एक्स्ट्रा कर दो, जो भी ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, वो सब इधर आ जाएगा। टोटल करके आउटर कलर में डालोगे, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऑफिस ओवरहेड जोड़ोगे, तो जो आएगा उसको नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट एवरीवन? प्रोडक्शन करने के लिए मेरा जो जो खर्चा अभी लग चुका है। अब इसके साथ देखो, सब खर्चा लग चुका मतलब फिनिश गुड्स बन चुका, इसके साथ ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा जस्ट इसको ना आउटर कलर में रखो, क्योंकि ये जोड़ने के बाद एक नाम आता है जिसको हम लोग को समझना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है सर? ऑब्वियसली इस साल में ना सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 10,000 रुपया का, और लास्ट ईयर ऑलरेडी बना हुआ फिनिश गुड्स था जो मेरा बिका नहीं, सेल नहीं हुआ, वो है सपोज 5,000 रुपया। टोटल गुड्स कितना हो जाता है? 15,000 रुपीज। दिस 15,000 रुपीज को क्या बोलोगे आप? टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितना मेरा बेचने लायक है। तो ये ऐड करने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड दिस? लेस, इस साल जो आपने नहीं बेचा, इस साल का जो आधा बना हुआ सामान था उसको माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको माइनस करते हो तो जो आता है उसको पता है क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, जस्ट वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास 15,000 का माल एकदम रेडी था बेचने के लिए, वहां से आपका सामान क्लोजिंग स्टॉक 2,000 बाकी है, तो हाउ मच गुड्स यू हैव सोल्ड? यू हैव सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 13,000। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये डेटा आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवा रहा है, दिस इज द फॉर्मेट। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 80% खत्म हो गया कॉस्ट शीट। अभी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन, यहां तक लिख लो एंड लेट मी नो क्या समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाने के बाद अभी आप इसको बेचने जाओगे, इसको बेचोगे तो आपका बेचने का टाइम में भी कुछ खर्चा लगता है हम लोगों का, कुछ एक्सपेंसेस होता है जो सिर्फ बेचने के लिए जरूरी होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, जैसे गाड़ी भाड़ा बेचने का टाइम पे, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड आया था प्राइम कॉस्ट में, कैरेज आउटवर्ड आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अभी हम लोग बनाएंगे। तो वो जो हम लोग बेचने का खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, क्या क्या आएगा एग्जाम्पल लिख लो। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन, सैलरीज,
कमीशन, इनर कलम में टिक टिक टिक, तीनों को जोड़ के आउटर कलम। फिर से समझा रहा है, ध्यान से सुनो। बेचने का जो भी खर्चा होता है वो सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट करना, सेलिंग मतलब बेचने का, तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कैरेज आउटपुट, सेल्समैन जो आपका सामान बेचता है, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी आ सकता है सेल्स रिलेटेड कोई भी खर्चा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो इसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग जोड़ेंगे तो जो आता है उसको कहलाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो सामान बेचा हम लोग उसके पीछे टोटल खर्चा कितना हुआ, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सब कुछ करके जो आता है उसको क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब से कॉस्ट ऑफ सेल्स आया हम लोग का 20,000 रुपया एंड योर सेल्स इज 30,000, तो 20,000 का माल 30,000 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000। तो इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ हम लोग एड प्रॉफिट करेंगे तो हम लोग का सेल्स आ जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको सब इंफॉर्मेशन के साथ सेल्स दे देगा, प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। कैसे सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लिया, सेल्स अमाउंट आपको पता रहेगा, दोनों का डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। पूरा फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू करो, अच्छे से रिवाइज करो। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा देर ऑफ रखने के लिए लेट अस स्टार्ट। अच्छा अच्छा, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 4, अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये लीफो वाला अभी फिलहाल इग्नोर कर दो। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक देखो, 1 अप्रैल 2005, 31 मार्च 2006, तो दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है, रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया हुआ है, डब्ल्यू आई ओपनिंग दिया हुआ है, डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग दिया हुआ है। डब्ल्यू आई पी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, हम आपको क्वेश्चन मार्क को भी हटा के 20,000 दे दिया है। क्वेश्चन मार्क वाला हम लोग बाद में सीखेगा, नाउ इट इज गिवन टू अस। ओके, नाउ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर चार्जेबल, मशीन आवर रेट, मशीन आवर वर्क, तो ये 1 घंटा में 20 रुपया, 5,000 घंटा मशीन काम करता है, तो टोटल मशीन के पीछे कितना खर्चा होगा, 5,000 × 20, दिस इज योर मशीन एक्सपेंस। कहाँ आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड 12 रुपया पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट जितना प्रोड्यूस करोगे उसके ऊपर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.5 पर यूनिट, सेल्स 12,000 यूनिट, तो पर यूनिट दे दिया। बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को प्रोडक्शन कितना हुआ यूनिट वो एक बार निकाल देता है। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्यों सर, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 12 रुपया प्रति यूनिट बोला है, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, वी डू नॉट नो, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। ओपनिंग स्टॉक में कितना यूनिट था, 2000, प्रोडक्शन कितना हुआ देखो नीचे में नहीं पता, वही तो निकालना है, एक्स मान लो। क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है, 2500। सेल्स में कितना यूनिट दिया हुआ है, 12,000 यूनिट, तो यहां से आपका आ जाएगा हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, एक्स इज इक्वल टू 12,000 प्लस 2500, 12,500 यूनिट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब कॉस्ट शीट शुरू करेंगे हम लोग। कॉस्ट शीट यहां पर हेडिंग पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बना के छोड़ दो। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो वी नीड टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। शॉर्ट फॉर्म में आरएमसी बोल के लिख रहा है, पूरा लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
50,000 एड परचेज 2 लाख लेस क्लोजिंग स्टॉक 62,500 बिफोर डिडक्टिंग कैरेज इनवर्ट नहीं है ना, देख लो एक बार। नो रहता तो मिस हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, बहुत बार मिस हो जाता है, बाद में फिर काट के लिखना पड़ता है। तो मेरा रॉ मेटेरियल कंज्यूम इसको करोगे तो मेरा आ जाएगा सिंपली 2,50,000 माइनस 62,500 187,500। कॉस्ट पर यूनिट कभी खाली छोड़ो, सिखा देंगे, बहुत ही ईजी है। रॉ मेटेरियल कंज्यूम के बाद आता है मेरा डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट वेजेस लिख सकते, लिख सकते हो, बट क्वेश्चन में जो देगा ना उसी को लिखो। डायरेक्ट लेबर 1,37,500, चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, बट जो देगा वही लिखना है। चार्जेबल एक्सपेंस इज कमिंग टू 50,000। अब ये तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। थ्री लाख 75,000। देखो अगर इसको आप हेडिंग्स को कैपिटल लेटर में लिखोगे तो सब हेडिंग को कैपिटल लेटर में डालना। मेरा फॉर्मेट में मैंने कभी कभी नॉर्मली किया, कभी कैपिटल लेटर में किया, मिक्स ऐसे मत करो। तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर में किया है तो हम बाकी का हेडिंग भी कैपिटल लेटर में करने का कोशिश करेगा। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन आवर रेट और मशीन आवर वर्क ये दोनों को जोड़ोगे, इनटू करोगे तो मशीन चार्जेस आ जाएगा। मशीन तो फैक्ट्री में ही रहता है। ब्रैकेट में 20 रुपीज प्रति घंटा इनटू 5,000 आवर्स 1 लाख, और कुछ है नहीं, इसको डायरेक्टली आउटर कलर में डाल देता है। 4,75,000। इसको नाम मत देना अभी वर्क कॉस्ट, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी करना बाकी है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 62,000, क्लोजिंग 87,500। एड ओपनिंग WIP, इनर कलम आउटर कलम कहीं पर भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार नाम लिख लेता फिर वैल्यू डालेगा। लेस क्लोजिंग WIP 62,087,500 25,500 इसको माइनस करो, नेट फिगर तो माइनस आ रहा है। 4,75,000 से 449,500 आ रहा है। इसको क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं वर्क्स कॉस्ट। ब्लॉक लेटर कैपिटल में लिख रहा है, वर्क्स कॉस्ट भी लिख सकते हो, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। आफ्टर दैट आता है हम लोग का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग से कुछ दिया है क्या? सिर्फ 12 रुपया प्रति यूनिट बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन 12,500 मैंने वर्किंग नोट से निकाला है। वेरी गुड वेरी गुड, आई होप यहां तक सबका आंसर करेक्ट है। थोड़ा और स्पीड बढ़ाओगे, जो ब्रेक दिया था उसके अंदर में आपका 90% सम हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 रुपया प्रति यूनिट, 12 रुपीज प्रति यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 12,500 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है।
1,50,000 टोटल 599,500 आफ्टर दैट ये हो गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसको जोड़ के हम लोग का क्या आता है इसको जोड़ के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल लेटर एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स $90,000 less closing stock of finished goods. देखो आप यहां पर इसको जोड़ के लिखना पड़ सकता है आपको लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और यू कैन इग्नोर ऑल्सो कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाला बट लिखोगे तो बेटर होता है छोड़ो नहीं लिख रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 669,500 ये आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शॉर्ट फॉर्म में एस एंड डी ओवरहेड बोल के लिखा मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है 7,500 पर यूनिट स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर देगा स्टूडेंट यहां पर 12,500 से इंटू कर देगा मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के साथ इंटू कर देगा नो सेलिंग डिफरेंट होता है प्रोडक्शन से प्रोडक्शन जितना करोगे ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आप उसको पूरा बेचोगे जितना बेचोगे उससे इंटू करोगे 7.5 इंटू 12,000 90,000 रुपीज $759,500 कॉस्ट ऑफ सेल्स कैपिटल लेटर अगेन थोड़ा जगह छोड़ो प्रॉफिट के लिए सेल्स इज गिवेन टू यू कहां दिया हुआ सर देखो सेल्स 65 रुपीज पर यूनिट दे दिया और 12,000 यूनिट बेच रहे हो तो 65 इंटू 12,000 780,000 कॉस्ट 759,500 sale 780,000 therefore the balancing figure will be our profit bracket mein balancing figure 20,500 so my request to everybody please revise the sum pura format ke sath कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से मेरे को चैट में पूछ लो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इफ calculation of closing stock if finish of finished goods if it is not given ठीक है सबसे पहला चीज ये जो मेथड है ना मतलब आई मीन टू से क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया जाएगा तो इसको सॉल्व करने का जनरली तीन मेन मेथड होता है
What are those methods? LIFO, FIFO, weighted average. सर लिफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, सर फिफो का मतलब फास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये कैसे होगा वही हम आपको सिखाने वाला है। प्रीवियस वाला सम से ही हम लोग कर लेता है क्योंकि वहां पर क्लोजिंग स्टॉक जैसे मैंने यहाँ 20,000 लिखवा दिया था क्वेश्चन में, आप देखोगे मेरा हैंड राइटिंग थे दैट वॉज एक्चुअली क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। ये 20,000 तो मैंने लिखा है बट एक्चुअल क्वेश्चन वॉज लाइक दिस वे। देखो दिस वॉज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो आपका पूरा सम सेम रहेगा टिल हियर, यहां तक पूरा सम सेम रहेगा, यहां से चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करता है, कंटिन्यू करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इसके पहले तो पता ही है तो हम लोग हेडिंग दे देता है लिफो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $599,500। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 था शायद। अब देखो मैंने बोला था आपको इसको जोड़ के जो आता है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है, वो लास्ट समय नहीं लिखवाया था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वाज गिवन। इफ इट वाज नॉट गिवन ऑलवेज सजेस्टेड है आप इसको टोटल करके जो आएगा उसको लिख लीजिएगा एक बार। क्या नाम है उसका, फिक्स 89,500, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स Available for sale. मतलब इतने का गुड्स रेडी है बेचने लायक है। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो कैसे वही सिखाएंगे। लिफो मेथड, लिफो मेथड का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लेटेस्ट आएगा वो पहले निकलेगा तो बचा रहेगा पुराना वाला। नाउ हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मेरे को जल्दी से जवाब दे देना। अगर हम आपको दो प्रकार का स्टॉक का नाम बोले आप मेरे को बोलना इसमें से नया कौन सा है पुराना कौन सा है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है करेंट ईयर प्रोडक्शन। प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन में से नया कौन सा है पुराना कौन सा है, जल्दी से रेस्पॉन्ड करो इन द चैट सेक्शन फास्ट। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। उज्ज्वल बी स्पेसिफिक, ओपनिंग स्टॉक क्या है हम लोग का, नया है कि पुराना है। रेशमा करेक्ट, हाउ कैन ओपनिंग स्टॉक बी अ न्यू वन। ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का है, प्रोडक्शन मतलब करेंट ईयर का है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ओल्ड हो गया राइट। तो दिस इज ओल्ड दिस इज न्यू। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट में लेटेस्ट वाला पहले निकलेगा तो प्रोडक्शन वाला पहले ही मेरा सेल हो जाएगा, तो बचा कौन सा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, ये बचा रहेगा मेरा लेफ्ट। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक विल बी पार्ट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो भी है मेरा बचा कुचा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ओपनिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक एक्सक्यू मतलब
एग्जॉस्ट हो जाने के बाद फिर करंट ईयर प्रोडक्शन से लेंगे। अब ये वाला सम में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट का था? 2000 यूनिट। प्रोडक्शन कितने यूनिट का है? 12500 हम लोग निकाला है। और क्लोजिंग स्टॉक Now the point comes, closing stock किसका पार्ट होगा? मैंने अभी बोला जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है वो निकल जाएगा, तो जो बचा रहेगा वो होगा पुराना वाला माल, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक विल बी पार्ट ऑफ योर ओपनिंग स्टॉक। रुको बेटा, ओपनिंग स्टॉक में 2000 यूनिट था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक में 2500 है, तो बाकी 500 कहां से आएगा? प्रोडक्शन से 500 यूनिट आ जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी, तो क्या आपको समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक में जो 2500 यूनिट है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का पूरा 2000 बाकी रह गया और करंट ईयर प्रोडक्शन का 500 यूनिट बाकी रह गया, बिकॉज लिफो मेथड फॉलो होता है, तो जो लेटेस्ट बनाया है वो निकल गया। Everybody clear? यहां तक understood या not? Please let me know. Closing stock is a part of opening stock as well as current year production. तो closing stock में यहां पर opening stock का value कितना था? 90,000, वो पूरा बढ़ाया गया मेरा, plus current year production का value 5,99,500. That is for how many units? 12,500 unit के लिए। तो 500 यूनिट के लिए क्या होगा? इन्वेंटरी मेथड फॉलो किया। अभी मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का 2000 और करंट ईयर प्रोडक्शन का 500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 599,500 फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 12,500 यूनिट्स। तो 500 के लिए क्या होगा? लेट अस कैलकुलेट इन्वेंटरी मेथड। 599,500 डिवाइडेड बाय 12,500 इनटू 500, 23,980 प्लस ओपनिंग स्टॉक तो पूरा बाकी है, 1,13,980 will be your closing stock value. बस इसके बाद तो नॉर्मल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये हो गया मेरा फीफो मेथड। अच्छे से कॉपी करो तो पुराना वाला जो सम था उसी सम का मेरा लिफो ऐसा होगा। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ फीफो एज वेल एज वेटेड एवरेज, बट बेसिक फॉर्मेट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में कोई बदलेगा नहीं, वर्किंग नोट चेंज होगा बट कॉस्ट शीट सेम रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो प्लीज आप लोग यहां तक देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, इफ नॉट यू कैन लीव।